जयराम जी की बहन साहब। सामान तक नहीं, आपके पास एक टॉर्च होगी? नहीं, हमारे घर पे कोई टॉर्च नहीं है। अरे देखिए देखिए, घर में टॉर्च तो होगी मेम साहब, ऐसा कैसे हो सकता है कि एक टॉर्च तक नहीं हो? मैंने कहा ना, मेरे पास कोई टॉर्च नहीं है, जाओ अभी तुम। अरे सुनिए तो, अरे मेम साहब, अब क्या है? साहब, आपके पास एक तो माचिस मिल जाती तो बड़ी मेहरबानी होती, हमरे पास माचिस तक नहीं। वो कहे कि हम सिगरेट नहीं पीवत है ना, आपके पास एक माचिस तो जरूर ही होगी। जी नहीं, मैं भी सिगरेट नहीं पीती। अरे राम राम राम, हम ही नहीं कहा थे। हमार मतलब ये है कि आपके किचन में जो चूल्हा उल्हा होगा उसके जलावे खातिर माचिस तो होगी। नहीं, हमारा चूल्हा ऑटोमेटिक है। Now move, वरना मैं अपने हस्बैंड को कह दूंगी कि एक आदमी मुझे परेशान कर रहा है। हस्बैंड? अरे आपके हस्बैंड है तो जरूर है सिगरेट पीते होंगे और उनके पास माचिस भी होगी ना। Shut up! नहीं मेम साहब, आप नाराज मत होइए, हम जात हैं। काहे मेम साहब कि हमका एक तो फोन करे को मिल जाता तो बड़ी मेहरबानी हो जाती। देखिए अभी मत कहिएगा कि आपके घर में फोन तक नहीं है। फोन है मगर तुम नहीं कर सकते, क्योंकि इतनी रात गए एक अजनबी घर पर आए, ये मेरे हस्बैंड को पसंद नहीं है। अरे तो ठीक है, आप अपने हस्बैंड को ही बुला दीजिए, हम अपनी दुख तकलीफ उनको ही बता देंगे। आप उन्हें बुलाइए तो सही। मैं उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहती। आप कोनो बात को समझने को तैयार नहीं है? देखिए मेम साहब, हम का सकल से आपको चोर उचक के लगाते हैं। अरे हम टैक्सी ड्राइवर हैं, इलाहाबाद से आए हैं मुंबई में पैसे कमाने। हम मेहनत मजूरी करके अपनी रोटी कमाते हैं, आप हमका एक फोन ही कर लेने दीजिए, आप कहेंगे तो हम आपका पैसे तक दे देंगे। मैंने कहा ना, मैं अपने हस्बैंड को। अरे आपके हस्बैंड है कहाँ? पूनम कौन है, किससे बात कर रही हो? कोई नहीं, कोई नहीं। पूनम मैं अपाहिज जरूर हूं मगर मेरे कान और आंखें अब भी बहुत तेज हैं। किससे बात कर रही थी तुम? वो एक टैक्सी ड्राइवर है, टॉर्च मांग रहा है, उसकी गाड़ी खराब हो गई है। वो टॉर्च ही मांग रहा था या कुछ और मांग रहा था? अरे जी हाँ हस्बैंड साहब, हम सिर्फ टॉर्च ही मांग रहे हैं, ये खातिर कि हमारी टैक्सी खराब हो गई है और इतना अंधेरा है। अभी मेम साहब ने हमका टॉर्च देखा है ना माचिस। कितनी गलत बात है पूनम, एक बेचारा इस वीराने में मदद मांगने आया है और तुम छोटी सी चीज के लिए झूठ बोल रही हो। देखा कितने दयालु हैं साहब। वो तो बस यूं ही मैंने। तुम टॉर्च लेकर जाओ और देखो उसकी क्या प्रॉब्लम है। नहीं साहब, आप काहे चिंता कर रहे हैं? अरे चिंता जिन करा, हम है ना टॉर्च लौटावे खातिर, और काहे के बिजली भी कड़क रही है और बरसात भी हो रही है, आप मेम साहब का यहाँ रहने दें। हाँ ये ठीक कह रहे हैं, मैं वहाँ जाके क्या करूँगी? तुम्हारा पति मैं हूँ, वो नहीं, इसलिए जो मैं कह रहा हूँ वो करो। छतरी और टॉर्च लेकर देखो क्या प्रॉब्लम है। चलिए
वो साहब जॉन है जो कुर्सियां पर बैठे रहे, वो आपके पतिदेव महाराज हैं, आपके हस्बैंड। हाँ क्यों? नहीं हम तो ऐसा नहीं पूछत रहे, वो कहा है कि आप इतनी जवान और खूबसूरत हैं, तो हमका बहुत अजीब लगत रहा। हाँ अजीब है तो? तो 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 का हम तो ऐसा नहीं पूछ लिए रहे। अरे जरा तनिक यहाँ जरा टॉर्च यहाँ मारा ना। हाँ हमका ऐसा लगत रहा कि आप पर बहुत भड़क रहे थे, कौन लफड़ा पड़ा चल रहा है का आपके बीच? हाँ तुम अपने काम से काम रखो। हमका का है, हम काहे बोलेंगे आपके बीच मेम साहब? फिर भी हमरा एक ख्याल है कि वो आपका जरूर मारत रहा होगा, ऐसा हमरा ख्याल है। वो मेरा पति है। तो ये समस्या है? हाँ? नहीं मतलब ये गाड़ी में ये समस्या है, हमको अभी पता चला। ये देखो वायर, ये देखो, अब हो गई हमारा राम बसंती टंटनाटन। चला मैम साहब हम आपका घर छोड़ के आवत है। नहीं मैं चली जाऊंगी। अरे तो हम कहा कहते कि आप यहीं खड़े रहेंगी, लेकिन हमार सभ्यता कहत है कि हम आपका घर छोड़ के आवत है। आप आइए। अरे अरे आप आइए तो हमारे संग। इका मैम साहब आप तो भीग रही हैं, अब छाते के इतना बाहर रहेंगी तो भीगेंगी ना आप। तनिक यहाँ आओ। अरे तुम भी तो भीग रहे हो। वो कहे के छाता एक आदमी अन दो, एक तो भीगेगा ही ना। लगता है बारिश बाहर बहुत तेज हो रही है, छतरी होने के बावजूद भी तुम लोग काफी भीग गए हो। हाँ वो कहा है कि हवा हवा बहुत तेज चल रही है साहब, कहा बताएं उसके खातिर हम भीग गए रहे। बहुत बहुत धन्यवाद साहब, मेहरबान। ये रही आपकी छतरी, आपकी टार्च और आपकी धर्म पत्नी। धन्यवाद साहब, हम चलत हैं। ऐसे कैसे जा सकते हो? कामत बल कॉफी पी कर जाओ, तुम इतने ज्यादा भीग गए हो। अरे नहीं साहब बहुत मेहरबानी, हम कॉफी अभी नहीं पीवत हैं, हम तो पूनम कॉफी बहुत अच्छी बनाती है। पूनम तुम कॉफी बना के लाओ, यहाँ आकर बैठ जाओ। आओ आओ। सुनो क्या नाम है तुम्हारा? मनोज, मनोज पांडे नाम है हमार, हम इलाहाबाद के हैं। आप जीवनलाल खुराना साहब है ना? हाँ हम पढ़े रहे हुआ बोर्ड पर, अंग्रेजी जानते हैं हम। वो मेम साहब का क्या नाम है? पूनम बहुत खूबसूरत लगती है ना, तुम इसकी खूबसूरती पे मत जाना, नागिन से भी ज्यादा जहरीली है और इसका डसा तो पानी भी नहीं मांगता है। यकीन नहीं आता ना, मेरी ओर देखो, मेरी इस हालत को बनाने वाला और कोई नहीं है बल्कि ये औरत है, औरत मेरी बीबी। 3 बार मुझे मारने की कोशिश कर चुकी है, अगर उसका बस चले तो मेरा गला घोट कर ही मार डालेगी। इसीलिए मैं इसे अपने साथ रखता हूं। क्या हुआ? तनिक बैठे रहो, हम देखते हैं। क्या हुआ मेम साहब? सब ठीक तो है, सब कुशल मंगल है। तुम अंदर कैसे आए? की ले हम का इनका पूछा थे, हमका का पूछा थे। अरे का कैसा आए, अपनी टांगों पर आए रहे। आप चिखी रही ना तो हमका लगा कि कौन मदद की जरूरत हुई। क्षमा करे मेम साहब, हम चलत है। हाथ कट गया मेरा। बहुत खून बहत है। आपके पास मरम पट्टी का कोनो सामान है का नहीं? कहाँ कहते अंग्रेजी में? फर्स्ट एड बॉक्स। हाँ वही, कहाँ है वो? पता नहीं कहाँ है,
अरे हम देखा थे। क्या हुआ, जिंदा है या मर गई? मरम पट्टी का सामान कहाँ है साहब? फर्स्ट एड बॉक्स यहीं कहीं होगा। क्यों? अरे वो मेम साहब का हाथ कट गया है, बहुत खून बह रहा है साहब। बहने दो। अरे क्या बात कर रहे हैं साहब आप, हाँ क्या कर रहे हैं? वो खून में तरबतर हुई गई है और आप कहते हैं कौन चिंता की बात ही नहीं, बहने दो। वो मेरी बीबी है, तुम्हें क्यों टेंशन हो रही है? अरे हम कहाँ दावा करते हैं कि वो हमारी बीवी है, लेकिन इंसानियत का कौनो तकाजा होता है कि नहीं साहब? कमाल की बात करते हैं आप, हैं? हम देखा थे। वहाँ फर्स्ट एड बॉक्स नहीं है, शायद अंदर होगा। आप गलत समझ रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने तुमसे कहा था ना कि मर्दों से दूर रहा करो, कहा था ना? मैंने कुछ नहीं किया, इसी ने मेरा हाथ पकड़ा था। ये तो मर्दों की फितरत होती है, ढील तो औरत देती है ना। अरे साहब जी आप हमें गलत समझ रहे हैं। चुप रहे, हम पति पत्नी के बीच में बोलने वाला तू कौन होता है? अरे आप कैसा आदमी है साहब, अपनी भोली भाली पतिव्रता धर्म पत्नी पर शक करते हैं आपको? चुप, तुम कौन होते हो हम पति पत्नी के बीच में बोलने वाले? चले जाओ यहाँ से। अब ये यहाँ से नहीं जाएगा, यहाँ से इसकी लाश जाएगी। अरे ये क्या कर रहे हैं, ये पिस्तौल है, मेम साहब समझाइए ना इनका, मजाक मजाक में चल गई तो हम तो गए ना। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, मैं तुझे सच में शूट करूंगा, पहले तुझे बाद में इसको। अरे क्या करूं साथी, अरे गोली चल जाएगी साथी, क्या करें, मजाक कर रहे हो? अरे पिस्तौल, अरे साथी छोड़े साथी, अगर गोली चल गई तो कमीने, छोड़ दे साथी, क्या करें, पिस्तौल छोड़िया, अरे आप इससे अपने साथी का मारता है। ये क्या क्या हम कर दिए साहब जी, आप उनको मार दिया ना? मैंने नहीं, तूने अपनी माशूखा को मार डाला है, पिस्तौल तेरे हाथ में है और लाश सामने पड़ी है। अरे क्या बकवास कर रहे हैं आप, अरे हम तो इनका जाना तक नहीं है। ये तो और भी अच्छी बात है, पुलिस को ये जानकर और भी ज्यादा हैरत होगी। पुलिस नहीं साहब जी, पुलिस को फोन मत लगा साहब जी, हम तो कभी मार देंगे, हम गोली मार देंगे साहब जी। मुझे भी? हाँ आपको भी गोली मार देंगे। यानी तू कबूल करता है कि तूने इसे गोली मारी है? अरे हम का ही कब आ रहे हैं साहब जी, आप ही कब आ रहे हैं ना?
हम तो सिर्फ छुड़ा रहे थे। पिस्तौल पर फिंगरप्रिंट्स के निशान किसके? तेरे ना? अगर पुलिस को तेरी बात पर विश्वास आ गया तो ठीक है। देखिए साहब जी, अगर पुलिस आ गई तो हम दोनों बचाएंगे साहब जी, हम दोनों बचाएंगे। कुछ और रास्ता निकालिए ना साहब जी। पुलिस तो आएगी, इस लाश को मैं यहां रख के सड़ाऊंगा तुम्हें। मेरे हालात तू अच्छी तरह से जानता है। मतलब ये कि इस लाश को तुझे ठिकाने लगाना होगा। कैसे और कहां ये तुझे सोचना है। कौन है तू? क्या कर रहा था इधर? डिक्की खुली क्यों किया है? मनोज पांडे जी, हाँ, वो काले रंग का टॉप पहनी रही जिमा मोतियों की झाला लटक रही थी। श्रीवास्तव, पता लगाओ कल रात को वाकई की कोई इस पुलिस की लड़की उस एरिया में पाई गई थी। ओके सर। साहब, अब
हमरा का होगा साहेब? अगर आप सच बोल रहे हैं कि मिसेस खुराना अगर हादसे की शिकार हुई तब तो आपका कुछ हो सकता है, लेकिन इससे पहले मुझे मिस्टर खुराना का बयान लेना पड़ेगा और उसको मिलने के लिए आपको हमारे साथ चलना पड़ेगा। इंस्पेक्टर भारत फ्रॉम क्राइम ब्रांच, आपकी तारीफ। मैं मिसेस पूनम खुराना, मिस्टर जीवनलाल खुराना की वाइफ। अरे का बतिया रही है? अरे नहीं हो सकता साहब। क्या नहीं हो सकता? आप जिंदा कैसे हो गई? आप तो कल मर गई रही। इंस्पेक्टर साहब, कौन है ये आदमी और कैसी पटक बातें कर रहा है? आप इन्हें नहीं पहचानती? जी नहीं। Very strange. इनका कहना है कि कल आपने इनके सामने दम तोड़ा, आपने, और इन्होंने आपकी लाश को ठिकाने लगाया। What rubbish! ये झूठ कह रहा है, और इसका सबसे बड़ा सबूत ये है कि मैं जिंदा हूँ और आपके सामने खड़ी हूँ। अरे क्या झूठ बोल रही है मैडम? देखिए साहब, अगर आपको हमारी बात पर विश्वास नहीं है तो आप खुराना साहब से पूछ लीजिए, ये मेम साहब उन्हीं की गोली का शिकार हुई रही। What nonsense! आपको पता है मेरे पति मुझसे कितना प्यार करते हैं? आपका जिंदा होना इस बात का सबूत है कि ये आदमी झूठ बोल रहा है। अब इसके लिए ये जानना जरूरी है कि ये आदमी झूठ क्यों बोल रहा है, और इसके लिए आपके पति से मिलना बहुत जरूरी है। आप मुझसे मिलना चाहते हैं? तो आप ही हैं मिस्टर खुराना? जी हाँ, मैं ही जीवनलाल खुराना हूं। अरे नहीं साहेब, ही खुराना नहीं है, हम खुराना का अच्छी तरह पहचानते हैं। हम तो इकरी लाश कल अलमारी में देखे रहे। इंस्पेक्टर, इज ही मैड और समथिंग? क्या बकवास कर रहा है आदमी? अरे नहीं साहेब, हम नहीं भौराए गए, हम बतावत हैं कि हम इकरी लाश कहां और कौन सी अलमारी में देखे रहे। आप आइए हमारे संग। ई देखिए साहब, ई रही अलमारी। अब आप ही बताइए साहब, अगर हम यहाँ नहीं आए रहे तो हमका कैसे जान पड़ा कि अलमारी ई कमरे में है? पूछता हूं आखिर ये सब चक्कर क्या है? बात दरअसल ये है खुराना साहब, ये जो शख्स मेरे साथ आया है
ये टैक्सी ड्राइवर, इसका ये कहना है कि कल रात को ये आपके घर आया था और कोई इंसान मिस्टर खुराना के रूप में इसे मिला और उस शख्स ने इस टैक्सी ड्राइवर के सामने अपनी बीवी का खून कर दिया, यानी मिसेस खुराना का, और जिसकी लाश को इस टैक्सी ड्राइवर को ठिकाने लगाना पड़ा। मुझे तो ये आदमी पागल लगता है इंस्पेक्टर, क्योंकि ऐसी ऊटपटांग बातें कोई पागल ही कर सकता है। राइट, इसे साइकेट्रिस्ट की जरूरत है। देख लेना, जब भी ये किसी नए आदमी से मिलेगा उसे देखकर वो यही कहेगा कि ये असली जीवन लाल खुराना है। डॉक्टर, अच्छा हुआ आप आ गए, आप इन्हें बताइए। हम सिर्फ इतना जाना था कि हम जो कुछ कह रहे हैं राम कसम एकदम सच कह रहे हैं। इस आदमी की दूसरी कहानी भी बिल्कुल झूठ साबित हुई सर। जिस हुलिया की लड़की इसने बताई थी उस हुलिया की कोई भी लड़की इस इलाके में नहीं है। अरे ये कैसे हो सकता है? अरे साहब, हम खुद ही उका छोड़ के वहां आए हैं। ये तो आप हमको बताएंगे मनोज पांडे जी कि सच्चाई क्या है। साहब, खाड़ी में से लाश निकाल ली गई है। तो ये है वो लाश जिसे मनोज पांडे साहब ठिकाने लगा रहे थे। सर, ये तो उसी लड़की की लाश है जिसका हुलिया उसने हमें बताया था। सर, ये कहानी अब एकदम साफ है। उसने इस लड़की को एयरपोर्ट से अपनी टैक्सी में बिठाया। अकेली लड़की देखकर उसकी नीयत खराब हो गई और फिर उसने लड़की का माल हड़पने के इरादे से या फिर किसी और इरादे से उस लड़की के साथ जोर जबरदस्ती की और इस दरमियान ये लड़की मर गई। और जब वो लड़की की लाश को ठिकाने लगाते हुए पकड़ा गया तो उसने हमें गुमराह करने के लिए कहानी सुनाई। अब सवाल ये उठता है श्रीवास्तव कि उसने ये कहानी, इतनी लंबी चौड़ी कहानी, इतनी ऊटपटांग कहानी क्यों सुनाई जो एक ही मिनट में टाइम टाइम फिश हो गई। जरूर कुछ गड़बड़ है श्रीवास्तव, इसके पीछे कुछ श्रीवास्तव, जैसे ये गड़बड़ मेरी समझ में आ गई है। श्रीवास्तव, मुझे इस लाश की तस्वीर चाहिए फौरन। How are you feeling now? बेटर है। वैसे डॉक्टर जगन, आजकल तुम्हारी दवाइयां लेने के बाद में मुझे नींद अच्छी आ जाती है। Very good. By the way, डॉक्टर जगन, तुम्हारा उस टैक्सी ड्राइवर के बारे में क्या ख्याल है? वो जो कहानी सुना रहा था। छोड़िए ना उस पागल की बातों को, उसके बारे में क्या डिस्कस करना। पूनम, वो पागल नहीं था, मुझे तो वो एक खतरनाक क्रिमिनल नजर आता था जो अपना कोई जुर्म छुपाने के लिए ऊट पटंग कहानी सुना रहा था। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं डॉक्टर साहब, आपने बहुत सही पहचाना डॉक्टर साहब, उस टैक्सी ड्राइवर की असलियत सामने आ चुकी है। ओहो, इंस्पेक्टर भारत, आइए आइए, क्या खबर है? उस ड्राइवर का क्या हुआ? होना क्या था, सारी असलियत सामने आ चुकी है। दरअसल उस ड्राइवर ने एयरपोर्ट से एक लड़की को अपनी टैक्सी में बैठाया और रास्ते में उसका मर्डर कर दिया। उसके बाद जब वो उस लड़की की लाश को ठिकाने लगाते हुए पकड़ा गया तो उसने अपनी जान बचाने के लिए ये वो जरूर कहानी हमको सुना दी। और उस लाश की शनाख्त अभी तक हो नहीं पाई है। बाय द वे डॉक्टर साहब, जरा आप यहां आने की जहमत करेंगे? यस, ऑफ कोर्स।
इस तस्वीर को पहचानते हैं आप? मैंने नहीं, कभी नहीं किया। Are you sure? Very sure. तो आप इस तस्वीर को पहचानती होंगी मिसेस खुराना? जरा देखें। मैंने तो इसे कभी नहीं देखा। तो मिस्टर खुराना तो डेफिनेटली इस तस्वीर को पहचानते होंगे। मैं जी नहीं, ये तो एक अरसे से कहीं गए ही नहीं है। ये किसी लड़की वड़के को क्या जाने। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। That's all right. मेरे पास इसकी दूसरी कॉपी है मिसेस खुराना। मिस्टर खुराना तो अपनी बेटी को पहचानती होंगे। क्या मतलब? मतलब मैं आपको समझाता हूं। ये देखिए, इस तस्वीर को पहचानते हैं आप? ये तो मेरी बेटी नैना है। नैना? ये कैसे हो सकता है? तुमने तो कहा था कि नैना ऊटी में रहती है अपनी नानी के साथ। जी हाँ मिसेस खुराना, ऊटी में ही रहती हैं। लेकिन फिलहाल वो बॉम्बे में थी। कल रात वो आई थी एयरपोर्ट से, हमने चेक किया। आपको पता नहीं, आपसे मिली नहीं कल रात? तो घर आई थी वो मिसेस खुराना। नैना यहाँ आई थी? जी नहीं, यहाँ तो वो आई ही नहीं। आप शायद भूल रही हैं मिसेस खुराना। खैर कोई बात नहीं, डॉक्टर साहब आपने तो नैना को यहाँ आते देखा ही होगा। मुझे क्या पता, मैं तो यहाँ था ही नहीं। ओह मैम सॉरी, आप तो यहाँ थे ही नहीं। मिस्टर खुराना, आपने नैना को यहाँ आते देखा था कल रात? नहीं नहीं इंस्पेक्टर, मैं तो कल रात को जल्दी ही सो गया था। दवाइयाँ खाई थी ना, इसके लिए बहुत अच्छी नींद आई। आई सी। खुराना, मैं आपसे आखिरी बार पूछता हूँ कि आपने यहाँ कल रात नैना को देखा था या नहीं? हो सकता है कि आपने देखा हो, आपको पता नहीं चला, शायद समथिंग लाइक दिस। याद करने की जरा कोशिश कीजिए। जी नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं पूरे यकीन के साथ कह रही हूँ कि वो यहाँ आई ही नहीं। झूठ बोल रही हैं आप। अगर मिस नैना कल रात घर पर नहीं आई तो फिर ये मोती कहां से आया जो उसकी ड्रेस में जड़ा हुआ था? ये तो मेरे किसी ड्रेस का भी हो सकता है। हाँ हाँ, लेकिन पूनम, तुम्हारे पास ना तो कोई ऐसी ड्रेस है और ना ही कोई ऐसा सेट। डॉक्टर साहब आप समझाइए ना, समझाइए, इतना झूठ क्यों बोल रहे हैं मिसेस खुराना? आप झूठ क्यों बोल रहे हैं? आप यू आर टोटली ट्रैप्ड। कल रात को लाश को तो आपने ठिकाने लगा दिया, लेकिन जिस एयरलाइन से मिस नैना आई थी उसका टैग अभी भी उस बैग पे लगा हुआ, अंदर अलमारी में पड़ा हुआ है। श्रीवास साहब जरा वो बैग तो लेके आना। आप सबको मेरे साथ जरा अंदर चलने की तकलीफ करनी पड़ेगी, आपको भी मिस्टर खुराना। मैंने कहा था ना पूनम कि हम फंस जाएंगे, लेकिन तुम नहीं मानी। जगन्नाथ क्या बकवास कर रहे हो? ये लोग कुछ भी साबित नहीं कर सकते। क्या साबित नहीं कर सकते? बस, that's enough, बहुत हो गया।
तुम्हारा खेल खत्म। मैं मिसेस खुराना को और डॉक्टर जगन्नाथ को मिस नैना के कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार करता हूं। मैंने इसका कत्ल नहीं किया है जगन्नाथ। मैंने इसे मना किया था, पर इस पर लालच का भूत सवार था। मेरे लाख मना करने के बावजूद भी देखते ही देखते इसने नैना का कत्ल कर दिया। पूनम, तुमने मेरी बेटी का खून कर दिया। I'll kill you. हाँ खुराना, पहले इस औरत ने तुम्हें अपने रूप जाल में फंसाया ताकि मेरे जरिए तुम्हारी सारी दौलत की ये मालकिन बन सके। मैं इसके प्रेम में पागल हो गया, इसीलिए मैं तुम्हारे इलाज के बहाने तुम्हें बेहोशी के इंजेक्शन देने लगा ताकि तुम्हारे सोने के बाद हमारे रात का रास्ता साफ हो जाए। कल भी तुम्हारे सोने के बाद मैं और पूनम एक दूसरे की बाहों में थे जब नैना वहां पहुंची। तुम मेरे पतिदेव का किस्सा खत्म क्यों नहीं कर देते? एक ही बार ऐसा इंजेक्शन दो कि उसका खेल तमाम हो जाए। पागलों जैसी बातें मत करो। मैं जो दवाइयां उसे दे रहा हूं वो उसके लिए जहर है। ओहो, ये है तेरा असली रूप। अब मैं बताऊंगी डैडी को कि वो जिस औरत को त्याग और बलिदान के मूरत समझते हैं वो कितनी बड़ी डायन है। नैना, तुम कुछ नहीं बताओगी, कौन रोकेगा मुझे? मैं। लेकिन पहली बार जब वो ड्राइवर आया तो हम घबरा गए थे, लेकिन बाद में हमने सोचा कि उसे फंसा कर लाश को ठिकाने लगाया जा सकता है। हमने चाल चली, उसने बोरी में पूनम की लाश को डाला था। जब वो बैच लेने गया तो हमने वहां लाश बदल दी थी। तुम्हारा बैच नंबर क्या है? 786। अपना बैच मुझे दो। बैच? हाँ, हमका लगा था साहब, हमारा बैच हुआ कहीं गिर का रहा होगा। ठीक है, हम देख कर आते साहब। जाओ। और ये सोचकर कि कत्ल उसके हाथों हुआ है, वो लाश को ठिकाने लगाने चला गया। मगर अफसोस कि ऐन वक्त पर वो पकड़ा गया। जगन्नाथ, तुम इस तरह मुझे नहीं फंसा सकते। इस कत्ल में हम दोनों शामिल हैं। अगर सजा होगी तो हम दोनों को होगी। बेवफा औरत। यह हवस भी कितनी बुरी चीज है ना कुरान साहब, चाहे वो किसी तरह की क्यों ना हो। अब देखिए ना, आप भी हवस के हाथों मजबूर हुए। आपने अपनी पहली बीवी को छोड़ा और दूसरी बीवी से शादी की। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आज आपको दिन न देखना पड़ता। मैं ठीक कह रहा हूं डॉक्टर साहब? एंड नाउ मैं मिसेस खुराना एंड डॉक्टर जगन्नाथ, आप दोनों को गिरफ्तार करता हूं।